जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से आधुनिक भारतीय कलाकार के बारे में देखेंगे। आधुनिक भारतीय कलाकार की एक सीरीज चल रही है जिसमें परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं कलाकारों से संबंधित, कि कौन सा कलाकार कहाँ से संबंधित है, इनका जन्म कब हुआ। क्रोनोलॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके चित्र दिए रहते हैं, पूछता है इनके चित्रकार कौन है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप सभी को ये सभी वीडियो देखने जरूरी है। और जब आप इन सभी कलाकारों के बारे में जानेंगे तभी आप इन सभी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो आप सभी मित्र जो भी अभी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो का और हमारे प्रयासों का आप लाभ उठाइए। यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है TGTPG आर्ट के नाम से। वहाँ पे आपको इसके पहले की जो भी कलाकार हैं उन कलाकारों के बारे में आप ब्रीफ मतलब कि डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ पे एक विस्तृत नॉलेज ले सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे राम जायसवाल से। राम जायसवाल से पहले जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं कि हमने इस सीरीज में लगभग 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें प्रश्नों को भी सॉल्व कराते हैं, तो लगभग 5,000 से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो जो भी मित्र TGT PGT कला की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया फॉर्म है। तो आप लोग बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं राम जायसवाल से। राम जायसवाल के बारे में आप सभी देख रहे होंगे कि जो जायसवाल या अभी यूपी के जो भी इधर लिखे रहेंगे सब टाइटल, वो थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि यार ये यूपी के ही होंगे। जैसे राम जायसवाल का नाम है तो ये यूपी के ही हैं, यूपी के मथुरा के कलाकार हैं। जैसे कि मथुरा के एक कलाकार और हैं मथुरा साइड के, गोकुल के अहिवास साहेब, तो वो भी यूपी के ही हैं। तो इस तरीके के कई कलाकार जो यूपी के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने लिए। और जो कलाकार यूपी में मथुरा साइड के कलाकार होंगे वो ज़्यादातर राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बनाएंगे। अब देखिए, राम जायसवाल का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था, मथुरा में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के। देखिए, जन्म का साल याद इसलिए याद किया जाता है क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे ये काम आ जाता है। इनके प्रमुख चित्रों में राधा कृष्ण, हनुमान, राम शिव, महात्मा गांधी, कस्बे में सुबह, परोड़े, स्ट्रीट सिंगर आदि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। अगले कलाकार के बारे में हम लोग देखें तो सुरेंद्र शर्मा, ये राजस्थान के हैं। एक लोग और हैं मोहन शर्मा, वो भी राजस्थान के हैं। तो दोनों लोग का जन्म राजस्थान में हुआ है। सुरेश शर्मा का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ है और इनकी प्रमुख कृतियां अनटाइटल्ड और रेड ऑन रेड। देखिए, दूसरे कलाकार हैं मोहन शर्मा। मोहन शर्मा का जन्म भी राजस्थान के नाथद्वार में हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अब्राहम लिंकन का जन्म, अब्राहम लिंकन का व्यक्तिचित्र और डेजर्ट श्रृंखला स्ट्रीट लाइफ। सुरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था 1937 में, इनका जन्म हुआ है 1942 ईस्वी में। अपने अगले कलाकार हैं अवतार सिंह पवार, ये गढ़वाल से संबंधित कलाकार हैं। 1929 में इनका जन्म हुआ, 2002 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार, शिल्पकार, कलाकार, कला इतिहासकार रहे हैं और ये मतलब कि उत्तर प्रदेश से बहुत संबंधित रहे हैं। तब तो ये उत्तर प्रदेश था ही जब इनका जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ कला विद्यालय के ये विभाग अध्यक्ष भी थे और 1994 ईस्वी में यश भारती सम्मान से इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित भी किया था। अपने अगले कलाकार हैं साखलकर साहब। साखलकर साहब का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी किताबें अभी भी मिलती हैं जो कि TGT PGT कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनकी किताबों को भी पढ़ा जा सकता है तैयारी के लिए, ठीक है। इनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रमुख कृतियों में भोर का सौंदर्य, सौहार्द और जीवन आदि इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। डॉक्टर अविनाश का भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। 1934 में इनका जन्म हुआ था बरेली में। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे वट वृक्ष, रानी के खेत, बनारस घाट की नौकाएं, पुष्पित कचनार आदि इनकी प्रसिद्ध लैंडस्केप रही हैं। इन्होंने टेम्परा और तैल रंग में भी चित्रण किया, जैसे कि लय, फलवाली, गढ़वाली नृत्य, शव यात्रा आदि इनके तैल और टेम्परा रंग में चित्रण है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हचकोले, चंद्र यात्रा, संघर्ष, पहाड़ी जोड़े, मकबरा आदि कृतियां भी किया इन्होंने। पहाड़ी जोड़े और मकबरा पर इनको शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित भी किया गया था। अगले कलाकार हैं अनादि अधिकारी। ये
कैनवास में चित्रण किया करते थे, मध्य महाराष्ट्र मतलब बंबई के ये चित्रकार रहे हैं। अपने अगले कलाकार हैं गोपाल मधुकर। गोपाल मधुकर की कृतियां दहेज, चीन और भारत, मृत्यु और शांति रही है। और अगले कलाकार हैं ज्योतिष भट्टाचार्य, ये ग्राफिक्स में काम किया करते थे, ग्राफिक्स के चित्रकार हैं। इनके बारे में पूछा जाता है इनमें से कौन सा कलाकार ग्राफिक्स का या फिर छापा चित्रकार है, तो ज्योति भट्ट। अगले है प्रफुल्ल जोशी। प्रफुल्ल जोशी प्रफुल्ल जोशी का इन्होंने जो चित्र बनाए जैसे रागिनी टोडी नामक, इनके चित्र बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित है। और इन्होंने दरबारी कांगड़ा पर चित्र किया और सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई वाले से इन्होंने इनको स्वर्ण पदक सम्मान प्राप्त हुआ था। मदन लाल नागर बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं लखनऊ के, और इनकी प्रमुख कृतियां मायाजाल, निराला और पुराना शहर। मदन लाल नागर से दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराना शहर किसकी रचना है और मदन लाल नागर किस राज्य से संबंधित है, जिला भी पूछ लेता है लखनऊ। राम कुंवर साहब मेला इनकी प्रमुख रचना है। और अगले कलाकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट नल पर भीड़त्र, भगवान बुद्ध, लाल पृष्ठ और भूमि पर लाल पृष्ठ भूमि पर वृक्ष, चेहरे और श्रम, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक आदि इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। अगले कलाकार हैं राधा कृष्ण वशिष्ठ। उल्लास में नृत्य करती गोपियां इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं महत्वपूर्ण कलाकार, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, शैलज मुखर्जी। इनका जन्म 1947 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। विकास तथा रूस के साथ इनकी प्रदर्शनी हुई थी। पट कपड़े को सुखाती हुई स्त्री इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और स्यावदा छाबड़ा, स्यावदा छाबड़ा श्रीलंका का कैंडिनियन लोकनृत्य इनकी प्रमुख कृति है। अगले हैं हेमंत द्विवेदी, नीला चेहरा इनकी प्रमुख कृति है। इन सभी कलाकारों से इनकी कृतियां पूछी जाती हैं। अपने पास अगले कलाकार हैं ट्रिपल ए, अब्दुल रहीम अप्पा माई अलमेलकर, इनको ट्रिपल ए कर सकते हैं। बम्बई की ये कलाकार हैं अमृता शेरगिल और यामिनी रंजन राय से ये बहुत प्रभावित थे और इन्होंने राजपूत कला से भी ये प्रभावित थे। यामिनी रंजन राय और अमृता शेरगिल के साथ राजपूत कला से प्रभावित थे। इनकी प्रमुख कृतियों में शक से पुनर्जन्म, दरवाजे की ओर, करवा नृत्य, नाविकों का श्रमसाध्य जीवन, पर्वत कन्या पक्षी और राख से पुनर्जन्म पक्षी, आदिवासी महिला इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अगले हैं रथीन मित्रा, ये कलकत्ता से संबंधित कलाकार हैं और कलकत्ता में इन्होंने कलकत्ता पैग के सदस्य रहे हैं जो कि 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियों में इनसे प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा कलाकार बंगाली स्कूल के कलाकार में नहीं है, तो इनका नाम रहता है तो यही नहीं रहे थे, ये पैग कलकत्ता के सदस्य रहे थे। इनकी प्रमुख कृतियों में गुलदस्ता लिए लड़की, कश्मीर की मुसीबतें, संथाल नृत्य, पुनर्मिलन, बंगाल का नौका दौड़ उत्सव इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। अपने पास अगले कलाकार हैं बीरेश्वर सेन। बीरेश्वर सेन बहुत महत्वपूर्ण है, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये चित्रकार, शिक्षक और लेखक थे। इन्होंने प्रायः सभी माध्यमों में कार्य किया। इनकी ख्याति दृश्य चित्रण के रूप में हुई है। दृश्य चित्रण में कुछ कलाकार बहुत महत्वपूर्ण है जो कि दत्तात्रेय देवलालीकर के जोशी से रहे हैं और जो दत्तात्रेय देवलालीकर भी जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी कलाकार रहे हैं ज़्यादातर वो दृश्य चित्रण का कार्य किए हैं। हालांकि ये पश्चिम बंगाल के थे, हमने दृश्य चित्रकार के नाम पे उनके बारे में बताया, ठीक है। हिमालय के दृश्यों का छोटे बड़े सभी आकारों में चित्रण किया था। और कभी कभी पूछ लेता है हिमालय का दृश्यांकन किसने किया है, तो रोरिक साहब हैं जो कि रूस के हैं, उन्होंने इसका चित्रांकन किया है। जब इनका नाम ना है तो उनका नाम आए तब ठीक है, नहीं तो उनका नाम ना है तो फिर बीरेश्वर सेन का नाम लगा दीजिएगा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं श्रृंगार, दमयंती। दमयंती राजा रवि वर्मा की भी रचना है। स्वर्ण पर्वत, दूध वाली, उष्ण स्नान के बाद तीर्थयात्री और जीर्ण आवरण, सोते सिंह इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अपने अगले कलाकार हैं योगेश्वर शुक्ला। इनके बारे में दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बरामदे का हाथी और माँ की ममता किसकी रचना है, योगेश्वर शुक्ला। अगले कलाकार की रचना है प्रमोद कुमार चटर्जी। इनकी रचना है भागीरथी और गंगा।
नर्तकी आम्रपाली। अगले कलाकार हैं भाउ सामर्थ, इनकी रचना है बेखुदी और खेत से वापसी। अपने पास अगले कलाकार हैं आनंद देव, इनकी रचना है गोवा एक स्मृति, दूसरी रचना है ऑन द बर्निंग ऑफ वीमेन, तीसरी रचना है अमृतसर छावनी। अगले कलाकार हैं केसरी निवासुलु, इनकी रचना है बाद में बारात, कमल के फूलों की माला और मछली विक्रेता हरे कमरे। एस धनपाल की रचना है एक स्त्री का सिर, माँ और बच्चे, तीन औरतें। तीन औरतें अमृता शेरगिल की रचना भी है। अगले कलाकार हैं अपने सामने टीआरपी मुकैया, टीआरपी मुकैया की रचना है घोड़े और घुड़सवार योद्धा, सांड युद्ध और परिवार। अगले कलाकार हैं कल्याण सेन, टेम्स पर रविवार की सुबह, इनकी प्रमुख रचना है, टेम्स नदी है जो कि लंदन में बहती है। पीटी रेड्डी, इनकी प्रमुख रचना है तीन सखी, संगीत नृत्य करती युवती आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सोमालाल शाह नववधु इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। अपने पास अगले कलाकार हैं जे एम अहिवासी, मतलब जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। ये हमने बताया था इनका जे एम अहिवासी का जन्म भी उत्तर प्रदेश के गोकुल के नज़दीक हुआ है, तो ये ज़्यादातर कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए हैं। देखिए राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इन्होंने सुंदर भित्ति चित्रों की रचना की है। आपके द्वारा रचित मीरा का मेवाड़ त्याग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस रचना को यूनेस्को ने पूरे संसार भर में प्रदर्शित किया और भारत सरकार ने उसे खरीद करके चीन को भेंट दे दिया था। देखिए संदेश, चित्रलेखा, महाभारत लेखन और चामर धारणी आदि आपकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। चामरधाड़ी मौर्य काल में बनी हुई थी और चामरधाड़ी की मूर्ति जो है मौर्य काल में बनी हुई थी, चामरधाड़ी यक्षिणी, और ये पटना संग्रहालय में अभी वर्तमान में रखी हुई है। अगले कलाकार हैं कनु देसाई, ये गुजरात के कलाकार हैं, 1907 में इनका जन्म हुआ था और ये चलचित्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे। ये प्रसिद्ध कला निर्देशक भी थे। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं राम राज्य, बैजू बावरा, झनक झनन पायल बाजे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। झनक झनक पायल बाजे में इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी भारत माता चित्र बहुत प्रसिद्ध है और कभी कभी पूछा जाता है भारत माता चित्र किसने बनाया, अगर क्या नाम है कि उनका नाम ना है रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे, क्या नाम था उनका, अवनींद्रनाथ टैगोर, अगर अवनींद्रनाथ का नाम ना आए तब इनका नाम सही होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र 1905 ईस्वी में बनाया था, एक युवा महिला का चित्र बनाया था, उसके चार हाथ थे, तो वही भारत माता का चित्र के रूप में स्वीकार किया गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया, बाद में कनु देसाई ने भी बनाया, लेकिन मान्यता अवनींद्रनाथ टैगोर को ही मिलती है। अगले कलाकार हैं जगदीश मित्तल। जगदीश मित्तल एक कुशल कला समीक्षा अनुसंधान करता है और भारतीय कसौदा इनकी प्रमुख रचना रही है। आर के लक्ष्मण के बारे में कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आर के लक्ष्मण बहुत प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट रहे हैं। एक आर के लक्ष्मण रहे हैं और एक बाला साहब ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के राजनेता भी थे, एक्सपायर हो गया, तो भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट रहे हैं। इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और 2015 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये लंबे समय तक टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहे और कॉमन मैन इनका प्रसिद्ध रचना रही है और इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, लेकिन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इनको प्राप्त हुआ। बाकी पद्म भूषण और पद्मश्री इत्यादि पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। एवियन पेंट के लिए ये प्रसिद्ध गट्टू नामक मस्कट का भी निर्माण किया था 1954 ईस्वी में, तो गट्टू मस्कट के लिए भी इनको याद किया जाता है। गट्टू मस्कट 1954 ईस्वी में बनाया था आर के लक्ष्मण ने। मस्कट होता है किसी खेल का एक प्रतीक चिन्ह प्रतीक होता है। आगे देखिए विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता और भारती खरे। विवान सुंदरम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अमृता शेरगिल के बहन के लड़के हैं, और दूसरी बात ये अभी हम लोग एक कोरियोग्राफर का नाम सुने होंगे आप लोग, सभी लोग जानते होंगे गीता कपूर इनकी पत्नी है। अब देखिए ये विवान सुंदर अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा शेरगिल के पुत्र थे और ये प्रसिद्ध कला समीक्षक गीता कपूर इनकी पत्नी है। विवान सुंदरम ने
विभिन्न माध्यमों में कार्य किया, जैसे पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी जिसे छापा चित्रकारी भी कहते हैं, कहानी चित्रण आदि सभी में इन्होंने कार्य किया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि इंजन ऑयल धब्बे और पे हैंडमेड कागज पे किसने चित्रण किया, तो इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, और कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक पर इन्होंने टेक्सचर ऑफ मीनिंग शीर्षक से अपनी कृतियां बनाई हैं। अगले हैं सुबोध गुप्ता, और सुबोध गुप्ता की पत्नी है भारती खरे। ये इन स्कल्पचर मूर्तिकार कहानी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, फोटोग्राफी भी किया करते थे, और इन्होंने धातु बर्तन पे भी अपने कार्य किए। इनकी पत्नी भारती खरे प्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता की पत्नी है, और इनके में लिखा है ना, ये भारती खरे इनकी पत्नी है। तो देखिए ये समकालीन कलाकार हैं, और बिंदी के लिए प्रसिद्ध हैं। बिंदी के लिए कलाकार और प्रसिद्ध है SH रजा, सैयद हैदर रजा का नाम आता है बिंदी चित्रकारी में। ठीक है, और अगले कलाकार अपने सामने हैं, अगले कलाकार हैं आदित्य पांडे। आदित्य पांडे देखिए ये लखनऊ के कलाकार रहे हैं, और ये चित्रकार, मूर्तिकार और कहानीकार, वीडियो ये बनाया करते थे। तो इतना ही था इन कलाकारों के बारे में। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और फिर अभी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।